बीजेपी पार्षद दल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव के नेशनल हाईवे पर स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। दरअसल राजनांदगांव शहर में पीडब्ल्यूडी विभाग अंतर्गत सभी सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। इतना ही नहीं, विभाग ने सड़कों पर पैच वर्क कर उन्हें छोड़ दिया है। वहीं बारिश की वजह से सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं भाजपाइयों का कहना है कि बीते चार सालों में पीडब्ल्यूडी को बजट का आवंटन क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही विभाग के अधिकारी का कहना है कि उनके पास फंड नहीं है। वहीं कार्यकर्ताओं ने विभाग के अधिकारियों को शहर की सड़कें जल्द बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री जी का बयान आया है दो दिन पहले समाचार पत्रों में कि पैसे की कोई कमी नहीं है, तो हम वही जानने आए थे। यदि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, तो राजनांदगांव में जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, राजनांदगांव में जो नगर निगम अभी तो पीडब्ल्यूडी आए थे, तो पीडब्ल्यूडी के जो सड़कें हैं वो जर्जर स्थिति में क्यों हैं, जगह जगह गड्ढे क्यों हैं, और उनका जो है रिपेयरिंग करने की खानापूर्ति क्यों की जा रही है। मुख्यमंत्री तक अल्टीमेटम दिए हैं जी, है ना, और सड़क निर्माण में हम लोग अभी रिपेयरिंग तो कर रहे हैं, गिट्टी और डस्ट डाल रहे हैं, WMM मतलब, और पक्की वाला तो बारिश के बाद करेंगे।